आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे सिर्फ एक मिनट के लिए छोड़ो, मैंने उनसे बात करनी है। लेकिन नहीं छोड़ा मुझे उनके पास। उधर मैं जो कांटेदार तार के आगे जो खाली जगह थी, मैंने बोला इधर एक मिनट के लिए खड़ा होता हूँ, मैंने नीचे से सिर्फ इमरान खान साहब को एक बार देखना है। लेकिन उन जालिमों ने मुझे उल्टा गालियाँ दी, बदतमीजी की, और धक्के दे के वापस भेजा। मुझे अभी उधर भेजा ही नहीं, मैं उनको बोल रहा था कि मैंने सिर्फ देखना है, एक मिनट के लिए देखना है मैंने सिर्फ उनको। पूरी रात जागी गुजारी, कुछ खाया पिया नहीं था, इमरान खान के बारे में सोच रहा था कि अल्लाह मुझे इमरान खान से मुलाकात से पहले मौत नहीं देना, कि इमरान खान है मेरी जान और जान से मिलने की कोई वजह नहीं होती है। मेरे अल्लाह का वास्ता है आपको, मुझसे एक बार मिलने जिंदगी में एक बार। खैर मिल नहीं सकते, एक वीडियो बना के बस मेरा नाम उसमें ले ले, यही बहुत है मेरे लिए। हजारा 24 न्यूज की स्क्रीन पर आप तमाम देखने और चाहने वालों को अरमान अली की तरफ से प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम ही दोस्त खैर वफियत से होंगे, हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजार रहे होंगे। व्यूवर्स, कल एबटाबाद में पीटीआई का जलसा था, जिसे पावर शो करार दे दिया गया और पीटीआई का सबसे बड़ा जलसा करार दे दिया गया। वहीं पे हमने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी, जिस पे लकी मरवत से आया हुआ मोहम्मद अबू बकर खान वहाँ पे दाढ़े मार मार कर रो रहा था और खान साहब से मिलने की इस्तदा कर रहा था, खुदा के वास्ते दे रहा था, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया गया। अबू बकर आज हमने ढूंढ निकाला है हज़ारा 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर। आइए इसके नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब इतना रोने का क्या फ़ायदा जब खान साहब आपको मिले नहीं, वहाँ वास्ते देने का क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ लोगों ने क्यों नहीं आपको मिलने दिया। तो आइए अबू बकर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू बकर कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गला बैठ गया है, कल इतने ज़्यादा रोए हो आप। बस ये तो खान साहब की मोहब्बत है। अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कल जिस यारा मेरी वीडियो वायरल हुई है ना, तो रात को मैं पहले तो कॉल ज़्यादा वगैरह आ रही थी, उसकी वजह से सो नहीं पाया। दूसरा ये सोच रहा था, अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे इमरान खान से मुलाकात से पहले मौत नहीं देना। कल जलसे में आप क्या करने गए थे? मैं खान साहब से मुलाकात करने के लिए गया था, मैं स्पेशल लकी मरवत से आया था। मैं ईद की छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने गांव गया था, तो उधर मैं मुझे मेरा आने का इरादा नहीं था एबटाबाद में। लेकिन जब मुझे पता चला शाम को कि इमरान खान का जलसा है 2 बजे एबटाबाद में, तो मैं उसी वक्त रवाना हुआ और एबटाबाद में 2 बजे पहुँचा। तो पूरी रात जागी गुजारी, कुछ खाया पिया नहीं था, इमरान खान के बारे में सोच रहा था, दिल कर रहा था कि उसको मिलने जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उधर गया हूँ, मिलना तो दूर के बाद मुझे किसी ने दिखाया भी नहीं है। इतनी कोशिश की है कल के किसी तरह तारें टूटें, रास्ते खुलें और मैं खान साहब से एक दफ़ा मिलूं, उनसे बात करूं, उनको हाथ मिलाऊं। मैंने पूरी जान गुजार, उधर जो इंतज़ामिया वाले थे उधर मैंने बोला कि आपको अल्लाह रसूल का वास्ता, खुदा रसूल का वास्ता, मुझे सिर्फ ये ग्रिल के दरमियान में खड़ा कर दे कि मैं सिर्फ उनको देख पाऊँ। लेकिन उन जालिमों ने मुझे उल्टा गालियाँ दी, बदतमीजी की, और धक्के दे के वापस भेजा। मुझे अभी उधर भेजा ही नहीं, मैं उनको बोल रहा था कि मैंने सिर्फ देखना है, एक मिनट के लिए देखना है मैंने सिर्फ उनको। जिन लोगों ने आपको गालियाँ दी उनकी शक्लें आपको याद हैं? बिल्कुल साफ साफ याद है उनकी शक्लें, और कोई आते हैं मुझसे उनकी शक्लों का स्केच बनवाए तो शक्लें मैं साफ उनकी याद में बनवा सकता हूँ उनकी। जिन लोगों ने आपको गालियाँ दी कल जलसे में, आप तो खान साहब की मोहब्बत में गए थे, उनको क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त स्क्रीन पे देखने वाले भी देख रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि खान के साथ जो लोग मोहब्बत करते हैं उनको कैसे रोका जाता है ताकि वो खान साहब से ना मिलें। बस ये कुछ बदतमीज़ लोग आए हुए थे जलसे में, और मैं तो स्पेशली खान साहब के लिए गए थे, तो ये चीज़ मैं इधर से सुन रहा था और इधर से निकाल रहा था, यानी उसको ज़्यादा जहन पे नहीं ले रहा था, क्योंकि मैं तो अपने खान से अपनी लीडर से मिलने आया था, इस बात का मैं क्या करता। लेकिन जैसे उधर गया, मिलना तो दूर के बाद मुझे दिखाया नहीं उन्होंने सिर्फ। बस ये मेरी खान साहब से अपील है कि खान साहब प्लीज़ मुझसे मिल लें, आपको अल्लाह का वास्ता है मुझसे मिल लें, ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश है वो भी आपसे मिलने की है बस। इमरान खान से मिल के क्या करेंगे? देखिए मैंने आपको कहा कि इमरान खान है मेरी जान और जान से मिलने की कोई वजह नहीं होती है, जान बस आप दिल करते हैं उनसे मिलने का, कोई वजह वगैरह कुछ नहीं होती, लेकिन आपका दिल करता है कि मैं उनसे मिलूं, उनसे बात करूं। लेकिन बस उधर कल जालिमों ने, कल बहुत बुरे लोग थे वो, मुझे गालियां दी उन्होंने, धक्के देके भेजा, लेकिन क्या कर सकते हैं। जलसे में जाने की कोई वजह तो होगी कि मैं खान साहब के जलसे में जाऊं, ये तोहफा दे दूं या उनके साथ कोई बात कर लूं? तोहफा तो इस तरह है कि मुझे इमरान खान साहब आज से तकरीबन
पाँच साल पहले मिले थे, यानी मिले तो नहीं थे लेकिन मुझे वो उनका एक ऐसे छोटा मीटिंग था, कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, उधर मैंने उनको देखा था। तो उस वक्त मैंने उनके लिए ये गिफ्ट खरीदा था, ये बिल्कुल असली है, तो ये आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है और इंशाल्लाह मैं इन खान साहब को ही मैं खुद दूंगा, उनको खुद पहनाऊंगा। कितने पैसों की आपने खरीदी थी ये? असल में ये मेरे जो कज़न है ना, उनकी यही इनका कारोबार है, तो उनसे मैंने ली थी। उनको मैंने कहा था कि मैं ये खान साहब के लिए लेकर, उन्होंने बोला कि ये ले जाओ। अगर ये पैसों की होती लेते तो इसकी क्या कीमत होती? ये तो महंगी है क्योंकि अफगानिस्तान से इसकी, ये जो पत्थर है नीलम नाम है इसका, ओरिजिनल पत्थर है, तो ये तो महंगा ही होगा, मैं तो कुछ नहीं कह सकता आपको। लेकिन अगर ये 10 लाख रुपए का होता और आपको लेके खान साहब को देना होता तो फिर भी आप लेके देते? क्यों नहीं देता, इमरान खान के लिए 10 लाख रुपए क्या है, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, तो 10 लाख रुपए क्या है? इससे पहले भी तो खान साहब के बहुत सारे जलसे हुए, किसी जलसे में खान साहब से मिलने की जस्तजू की, आरजू की, या गए किसी जलसे में मिलने के लिए? गए हूँ, धरने में भी गया था जो उन्होंने 126 दिन की थी, उधर भी गया था, लेकिन बस उनकी जो इंतज़ाम है वो उनकी वजह से मैं नहीं मिल पाए। और खान साहब मेरी आपसे अपील है कि आप मुझे खुद बुलाएं, खुद मुझे बुलाएं, क्योंकि ये जो आपके जो कारकुन है और आपके जो इंतज़ाम है वो मुझे नहीं मिलने देगी, आपसे कभी भी नहीं मिलने देगी, क्योंकि आजकल आप तो नहीं करते ऐसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अमीर और गरीब का फ़र्क करते हैं, लेकिन आपको अल्लाह ने बड़ा दिल दिया है, मेरी आपसे अपील है कि आप खुद मुझे बुलाएं, खुद मुझे बुलाएं, खुद, दूसरे लोग मुझे मिलने नहीं देंगे, बस मेरी अल्लाह का वास्ता है आपको मुझसे एक बार मिलने ज़िंदगी में, एक बार। अच्छा अबू बकर, इतने चाहने वाले फ़ैन बन गए, अब आगे कोई प्लान है कि कोई यूट्यूब चैनल बना लिया जाए, लोगों के साथ खान साहब की मोहब्बत में वीडियो शेयर की जाए? नहीं, ऐसा कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बनाऊंगा ताकि मेरी आवाज़ खान तक पहुंचे, तब तक तो बनाऊंगा, लेकिन मैंने कोई फेम हासिल करने के लिए ये नहीं किया, मैंने स्पेशली खान साहब से मुलाकात करने के लिए ये की है। कल जलसे में आपने क्या कुछ किया खान साहब के मिलने के लिए? दो न्यूज़ चैनल की गाड़ी थी, उस पर मैं चल रहा था, एक 24 न्यूज़ की थी और एक हम न्यूज़ की थी, तो जैसे ही मैं चल रहा था उनको, मैंने उनको बोला है कि उसको भी वास्ता दिए कि अल्लाह का वास्ता है, मैंने सिर्फ इमरान खान को एक मिनट के लिए देखने फिर उतर जाऊंगा, लेकिन उन्हें मुझे इधर डंडा मारा और ऊपर नहीं जान दिया। खान साहब ने आपको एक किस्म का इग्नोर कर दिया है, अगर आपको नहीं मिलने दिया गया और आप किसी और जलसे में जाएं उन्हीं के, लेकिन वहां पे भी आपको ना मिलने दिया जाए और खान साहब के जलसे भी बार बार हो रहे हो, तो हर जलसे में फिर भी जाते रहेंगे? मैं फिर जाता रहूंगा, और ये जो आपने बोला कि खान साहब ने इग्नोर किया, उन्होंने नहीं इग्नोर किया, वो कभी अपने सिपाही को इग्नोर नहीं करते। और खान साहब मैं आपसे नहीं खफा हूँ, लेकिन आपसे मेरी अपील है, ये इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है ये। आपने खुदा के वास्ते दिए, एड़ियां रगड़ी, जज्बाती हो गए, आपने आंसू बहा दिए, लेकिन जालिमों को तरस नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? मैं उधर खड़ा था, वो एक भाई थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे अपने कंधों पे उठाया, ठीक है, इमरान खान को दिखाने के लिए, लेकिन रशीद नहीं थी और इंतजामिया ने उनको भी नहीं छोड़ा, मैं फिर उनसे उनके कंधों से उतरा, मैं वो कंटेदार तार के पास गया, उधर दूसरे वो जो इंतजामिया के लोग थे उनके उनको मैंने खुदा का वास्ता दिया कि मैंने सिर्फ देखना है इमरान खान को एक मिनट के लिए, लेकिन नहीं देखने दिया उन्होंने मुझे इमरान खान को, मिलना तो दूर की बात, देखा भी नहीं, मैंने उनकी तकरीर गुजर गई, लेकिन मैं इधर खुदा के वास्ते देने लग गया था, पूरे तकरीर उनकी तकरीर मैंने सुनी नहीं है, उनके देखा भी नहीं है, मैं इधर इन दूसरे के लोगों के पास तब बातें कर रहा था कि मैं आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे सिर्फ एक मिनट के लिए छोड़ो, मैंने उनसे बात करनी है, लेकिन नहीं छोड़ा मुझे उनके पास, उधर मैं जो कांटेदार तार के आगे जो खाली जगह थी, मैंने बोला इधर एक मिनट के लिए खड़ा हो, तो मैंने नीचे से सिर्फ इमरान खान साहब को एक बार देखना है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखने दिया। किसके साथ कल आप जलसे में गए थे? मैं अपने छोटे भाई के साथ गया था, बाबा के थे, लेकिन वो उनके वो थोड़े से बीमार थे, तो वो जलसगाह के अंदर नहीं आ पाए, तो मैं अकेले उधर रश के दरमियान गया था, मैं किसी की परवाह नहीं थी, मुझे बहुत कोने और इधर उधर धक्के भी पड़े, लेकिन कोई परवाह नहीं थी, मैं खान को देखने गया था लेकिन नहीं देख पाया। अच्छा मुझे ये बताएं कि कल खान साहब अगर आपको जलसे में मिलते तो उनसे आप क्या कहते? मैं खान साहब को ये कहता कि खान साहब आपने हमें कहा था कि घबराना नहीं है, लेकिन अभी हम आपको कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है,
आप बिल्कुल अकेले नहीं, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो सारे आपके साथ है। आपने बिल्कुल अकेले नहीं, आपके साथ अल्लाह है। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट कर दिया है कि मैं आपको इंशाल्लाह इमरान खान साहब से मिलवाऊंगा। अगर आप इमरान खान साहब से मिलते हैं तो आप उनसे क्या कहेंगे या क्या तोहफा देंगे उनको? मुझे तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक इमरान खान साहब खुद ट्वीट नहीं करेंगे कि मुझे मिलवाने का, या फिर खुद कोई मिलना, खैर मिल नहीं सकते, एक वीडियो बना के बस मेरा नाम उसमें ले ले, यही बहुत है मेरे लिए। मिल नहीं सकते तुझे, एक वीडियो क्लिप बना ले, मेरा नाम सिर्फ उसमें ले ले, बस ये ख्वाहिश है। मिलना, अगर फिर मिलना हो किस्मत में लिखा तो मिल लेंगे, लेकिन अभी प्लीज़ एक वीडियो क्लिप में मेरा नाम ले ले प्लीज़। अभी कॉल आ रही है आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। अभी तक मिले नहीं आप? नहीं अभी तक तो नहीं मिला। बहुत शुक्रिया, बहुत हरम में जाके दुआ करूँ, आप मिल जाएगा इंशाल्लाह खाने का भी ना, हरम खान साहब को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हजारा 24 न्यूज़ की स्क्रीन पे इस वक्त बच्चे का इंटरव्यू हो रहा है, तो आप लोग हमारी रिकॉर्डिंग पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे अबू बकर के हवाले से? बस यही कहते हैं अल्लाह पाक इनको मतलब अपन से कामयाब करेंगे, दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। अबू बकर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जज्बा कैसा था कल बच्चे का एबटाबाद जलसे में? जज्बा बहुत अच्छा था माशाल्लाह, गुड जज्बा, बहुत अच्छा था। अल्लाह पाक खुश रखे और खान को कामयाब करें इंशाल्लाह। और जज्बा में बहुत इनका बहुत अच्छा ही लगा। इस तरह के बच्चे अगर इस तरह हमारे मुस्तकबिल में रहे तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हटेगा इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। नाज़रीन आप देख रहे थे कि इस वक्त अबू बकर को सऊदीया, दुबई, बहरीन, यूके, कनाडा और पाकिस्तान के कोने कोने से चप्पे चप्पे से इनको कॉलें आ रही हैं। ये खान साहब के फ़ैन हैं, दुनिया इनकी फ़ैन बन चुकी है।